हेलो फ्रेंड्स, आज हमने मनाया हमारी मम्मी का बर्थडे। देखिए, हम मनाने जा रहे हैं, मैं और मेरी बेटी है। मैं लॉक कर रही हूँ घर से। देखिए, यहाँ से आधा किलोमीटर पड़ता है, ज़्यादा दूर है। तो देखिए, मैं स्कूटर भी बाहर निकाल रही हूँ। देखिए, मैं थोड़ी दूर चलाऊँगी वैसे वीडियो के हिसाब से। बाकी मेरी बेटी जब होती है तो वो ही ड्राइव करती है और मैं पीछे बैठती हूँ, क्योंकि सामान भी लेना पड़ता है उतर उतर के जगह जगह पे। तो मैं लेती रहती हूँ और वो ड्राइव करती रहती है। तो ये देखिए, मैं स्कूटर स्टार्ट कर रही हूँ, बेटी बाय बाय कर रही है, अभी आगे जाके बेटी ले लेगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ केक लेने के लिए गई हूँ। देखिए, केक लेकर आई हूँ मैं, ये बाहर आ रही हूँ केक होटल से। देखिए, अब यहाँ हाईवे पे आ गए हैं हम। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, हमने पार्क में सेलिब्रेट करने का सोचा था और 3 केक हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि उनकी पापा के इसमें 3 केक आ गए थे। तो कह रही थी कि उनके इसमें 3 केक आ गए, तो बड़ा उसको बहुत अच्छा मान रही थी। पुराने लोग हैं, वो लोग सोचते केक बहुत अच्छी चीज़ होती है और इतने सारे केक आ गए। तो देखिए, यहाँ मैंने बीच में से रुक के और हार भी ले लिया। पहले मैंने केक लिया वहाँ से, अब यहाँ से मैंने ये हार लिए हैं दो। हम दोनों को ही पहना देते हैं। पापा का मनाते तो एक तरह से मम्मी का भी सेलिब्रेट हो जाता है, और मम्मी का मनाते तो पापा का भी सेलिब्रेट हो जाता है। देखिए, हम आ चुके हैं गार्डन में। देखिए, बहुत अच्छा गार्डन है, नवाब साहब के ज़माने का है। इसका नाम गुलशन गार्डन है। पहले हमारे शहर का नाम भी गुलशनाबाद हुआ करता था, अब जो है चेंज हो गया है बाद में। तो उस हिसाब से यहाँ इसका नाम भी गुलशन गार्डन है। बहुत शानदार गार्डन है, नगर पालिका ने इस पर ध्यान दिया है, क्योंकि एक ही गार्डन है यहाँ पे। तो नगर पालिका टाइम टाइम से इसमें काम करवाती रहती है। बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी है और बहुत अच्छी, मतलब यहाँ पे पाम ट्रीज लगे हैं बहुत अच्छे, आप देखते जाइए। और बहुत अच्छा, मतलब 3 एक बीघा में फैला हुआ है। हम तो एक सिर्फ एक पार्ट में जाके बैठे थे, मतलब हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे जो यहाँ की, जहाँ हम रहते हैं वहाँ की पॉपुलेशन 75-80,000 है लगभग। उस हिसाब से देखे तो ये पार्क बहुत अच्छा है, और छोटे छोटे तो कई हैं, लेकिन एक ये मेन बड़ा पार्क है यहाँ पे, गुलशन गार्डन कहते हैं इसको। तो ये देखिए, मैं पहुँच चुकी हूँ। देखिए, सब मुझसे पहले ही आ चुके थे, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। अब देखिए, मैं आपको मिलवाती हूँ। सबसे पहले देखिए, मेरे डैडी हैं, ये देखिए फादर है, बहुत मजाक वाले हैं, बहुत कॉमेडियन है। ये देखिए, अब हाथ पकड़ लेंगे तो हाथ नहीं छोड़ेंगे बहुत देर तक। देखिए, मैं नेक्स्ट से कैसे मिलाऊं, अब मुझे खींचना ही पड़ेगा। ये देखिए, बीच में मेरी दीदी हैं, और उधर मम्मा है मेरी, और ये एक और दीदी हैं। ये देखिए, सारे बच्चे हैं हमारे घर के, ये भी दीदी हैं। ये देखिए, वो शैतान बच्चा है सबसे, देखिए लास्ट में यही बोलेगा सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत मस्तीखोर बच्चा है ये, छोटा बच्चा है। ये देखिए, हम केक कटवाना हमने शुरू कर दिया है। देखिए, एक केक कट रहा है, फर्स्ट वाला ये। ये देखिए, पीछे जो एक छोटी सी बच्ची बैठी है हमारे घर की, सबसे छोटी बच्ची, ये देखिएगा कितना एंजॉय करेगी। बार बार ये देखिए झांक के देख रही है क्या काट रही है। देखिए, अभी ताली बजाना शुरू कर देगी। ये देखिए, 2 साल की बच्ची है ये, बस ये फुल टाइम आप इसको क्लैप करते हुए देखेंगे। ये देखिए, मम्मी किसी को नहीं पूछेंगी, सिर्फ डैडी को ही खिलाएंगी केक। ये देखिए, आप देख रहे हैं दोनों का प्यार। ये देखिए, देखिए मम्मी डैडी को खिलाएंगे, डैडी मम्मी को खिलाएंगे, बस। अब ये देखिए, एक केक हो चुका है, अब दूसरा केक आएगा। ये देखिए दूसरा केक, अभी अभी मतलब डैडी का एक भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो अब हाथ में लेना शुरू कर देंगे केक, क्योंकि मम्मी उनको ही दिए जाएंगी। ये देखिए, 2 और बच्चे। देखिए, अभी तो बहुत कम बच्चा है हमारे, 8-10 बच्चे हैं। बहुत घर एकदम भरा भरा सा लगता है, सब मिल जाते तो बहुत मस्तियां करते हैं सब लोग। ये देखिए, आप छोटी बच्ची को देख रहे हैं पीछे, देखिए कैसे क्लिप कर रही है बराबर, 2 साल की छोटी सी छुटकी पीछे खड़ा कर दिया उसको। देखिए, हमारा गार्डन है नेचुरल, यहाँ पे थोड़ा सा कोने में से लाइट भी चली गई, अभी नगर पालिका का गार्डन है तो बहुत अच्छा है, शानदार, लेकिन बस थोड़ी लाइट की कमी हो गई। ये देखिए, थर्ड केक आ चुका है, ये थर्ड केक कटवा रहे हैं इनसे। देखिए, हार भी बहुत सारे आ गए, बहुत क्यूट कपल हैं दोनों। देखिए, परदादा परदादी, परनाना परनानी बन गए हैं।
छोटे छोटे बच्चे जो पीछे देख रही है, बच्ची है उनकी पड़ पोती है। और जो बच्चे हैं ये भी इनके पड़ पोते, पड़ पोता, पड़ नवासा ऐसे बच्चे हैं। ये देखिए देखिए, डैडी को देंगी वो सबको, ये देखिए। हम सब हंसते हैं बहुत। देखिए अम्मे भी साइड बैठी थी ना, वो मुझे भी खिला सकती थी लेकिन मुझे नहीं खिलाएंगी, वो सिर्फ डैडी को ही खिलाती हैं। अब मैं इनको खिला रही हूँ, ये देखिए गाल पे लगा दे, एक गाल पे तो उनको समझ नहीं आया, दूसरे गाल पे लगाया तो समझ गई हो कि क्रीम लगा रही। देखिए हंसते बहुत क्यूट लगती है पोपले मुंह से। ये फ्रेंड्स मेरा थर्ड ब्लॉग था। देखिए मुझे समझ नहीं आता, मैं एक्सरसाइज की हूँ तो मुझे समझ नहीं आता ब्लॉग कैसे बनाते हैं, लेकिन सब लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी इवेंट हो, कुछ हो आपके यहाँ तो आप बना लिया कीजिए। ये देखिए मेरी बेटी और ये मेरे फादर दोनों नाना नानी। तो फिर आ गया बदमाश बच्चा। देखिए फादर के ये पुराने पहचान वाले मिल गए थे, आ रहे हैं बैंक में है ये फ्रेंड्स। ये देखिए फादर इधर से गए, पुरानी दोस्ती। ये देखिए कितने खुश हुए दोनों देख के एक दूसरे को, देख रहे हैं। ये मेरी बेटी और ये मेरी दीदी, बहुत प्यारी वाली बच्चे के लिए। ये ट्रेन में बेटे सब बॉय ट्रेन में बच्चों को ट्रेन में से बोले बाय बाय नहीं कर रहे सब गए। इसके बाद हम ट्रेन में हाँ देखा चले कांटी है भाई। हेलो हाय गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ और बोलो देखिए एंड में तो मुझे कैमरा चला बच्चे लिए। मैं कर रहा हूँ चिंगा के बारे में। आप बात हम लोग